सर, आज कोर्ट में जो सुनवाई तेजस्वी यादव को लेकर हुई थी, कुछ शब्दों को लेकर तेजस्वी से सीबीआई कोर्ट ने आपत्ति जताई, लेकिन सीबीआई के दलील को उन्होंने खारिज कर दिया है। देखिए ना, तेजस्वी जी तो एकदम खुली चुनौती दे रहे हैं कि भाई हम जानते हैं कि हमको परेशान किया जाएगा, हमारे परिवार को परेशान किया जाएगा, ये कोई ढकी छुपी हुई बात नहीं है। उन्होंने तो इतना कहा कि हम तो ऑफर दे रहे हैं कि ये लोग आके मेरे बंगले में, मेरे घर में आके अपना ऑफिस बना ले, और हम इस सबसे डरने वाले नहीं हैं। जो भी ये मुकदमा करेंगे, जो न्यायालय पर हमारा भरोसा है, हम उस न्यायालय से उसका हम जवाब देंगे और उसको हम फेस करेंगे। उसी में आज जो सीबीआई ने इन पर जो भी आरोप लगा के कोर्ट में सबमिट किया कि भाई ये प्रभावित करना चाहते हैं अपने जमानत से इस मुकदमे को, और इनका व्यवहार जो संस्था है उसके प्रति अच्छा नहीं है, इनकी जमानत रद्द किया जाए, तो कोर्ट ने इसको आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा कि नहीं, इट्स ऑल कॉन्कॉक्टेड, तो बात खत्म हो गई। तो जो बात तेजस्वी जी ने कही वो बात आज साबित हो गया। कोर्ट ने भी कह दिया कि इसका कोई मामला बनता नहीं है, इन लोगों ने जो पेटिशन दिया उसी को रद्द कर दिया। तो ये कोई छोटी कितनी बड़ी खुशी है सर, कितनी बड़ी जीत है। सवाल है, हमारे नेता के पक्ष में कोर्ट, माननीय कोर्ट ने जो फैसला किया वो तो एक बड़ा फैसला हम इसको मानते हैं, और मनोबल बढ़ाया इन्होंने मोदी सरकार से लड़ने वालों की कि भाई ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान की जो जनता है वो अद्भुत है। वक्त जब भी आएगा तो जो ये सांप्रदायिक ताकत है इस मुल्क में, उसका जवाब हिंदुस्तान की जनता देगी। सुनिए ना कोर्ट भाई, हम उन्होंने जो कहा हम अभी उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, उन्होंने जो एक्ट किया हम उस पर टिप्पणी कर रहे हैं कि सीबीआई जो मामला उनके खिलाफ बना के गई थी उसको कोर्ट ने आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। आप अभी यहीं पर आप रहिए, भविष्य की बात भविष्य में देखी जाएगी।